नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। खबर आजकल की न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब बिकेगा सब कुछ ऑनलाइन। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने अवैध तरीके से बालू से लदे 3 डंपरों को जब्त कर अपने साथ थाने ले आई। हालांकि अभी तक चालकों का कोई पता नहीं चल पाया है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने अवैध बालू से लदे 3 डंपरों को किया जब्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला में नदियों से बालू का अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बावजूद भी बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बालू माफिया कई घाटों से बालू खनन व परिवहन कर रहे हैं। अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस व खनन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वे प्रतिदिन अवैध तरीके से बालू का खनन कर रहे हैं, परंतु पुलिस भी माफियाओं को रोकने के लिए आए दिन कोई न कोई अभियान चलाती नजर आ रही है। इसी के तहत आज एक बार फिर से न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने अवैध तरीके से बालू से लदे 3 डंपरों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन डंपरों को पुलिस ने सिलीगुड़ी के नौका घाट के महानंदा नदी से जब्त किया है। हालांकि खबर लिखने तक डंपरों के चालकों का कोई पता नहीं चला। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर अपने साथ थाने ले आए। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने विधान मार्केट का दौरा किया। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने विधान मार्केट का किया दौरा। सिलीगुड़ी शहर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर के हर एक वार्ड में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में आज सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी के विधान मार्केट की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बाजार का दौरा किया। बताया जा रहा है कि विधान मार्केट HDA के अधीन है, इसलिए उन्होंने व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ पूरे बाजार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि कुछ जल निकासी की समस्या है और उन सभी समस्याओं को हल करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन व्यापारी इसमें बाधा है। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी नाले के ऊपर बिक्री कर रहे हैं, जो अपने दुकानों को स्थानांतरित करने से कतरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग सड़क पर कब्जा कर दुकान करते नजर आए। इन सभी दुकानदारों से व्यापार संघ के सहयोग से बात कर इस बाजार में नई रूपरेखा बनानी है। आज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह देखना था कि डेंगू की स्थिति से निपटने के लिए बाजार में गंदगी और पानी जमा होने की समस्या है या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि वह कल विधान मार्केट ही नहीं बल्कि HDA के दायरे में आने वाले सभी इलाकों का दौरा करेंगे। विधान मार्केट क्या हमारा सिलीगुड़ी जे जगह गुलो आछे हमारे दायित्व आछे सब जगह गुलो ही देखबो। विधान मार्केटे जे समस्या गुलो आछे से समस्या गुलो विधान मार्केटे जरा व्यवसायी एवं व्यवसायी समिति सवार साथे कथा बोले समस्या गुलो जाते समाधान करा जाए तार जन्य उद्योग नियेछि। एवं जेटा SGDA एर दायित्व SGDA एर प्रत्येक बारी SGDA सिलीगुड़ीर मानुषेर स्वार्थे SGDA जे काजगुलो करे आमरा जखनी कोनो किछु समस्या तैरी हय आमरा आसी, ताछाड़ाओ आसी विभिन्न समय। सिलीगुड़ी में भाजपा के संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। आज सिलीगुड़ी में भाजपा के संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश पर्यवेक्षक सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, सांसद राजू बिस्टा, विधायक मनोज तिग्गा समेत कई विधायक उपस्थित रहे। साथ ही इस बैठक में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। बैठक की शुरुआत में वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों के बारे में बातचीत की गई। साथ ही इस बैठक में पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बागडोगरा के धर्मकांटा पर सिग्नल पर ही 2 बसें आपस में टकराई। हादसे के बाद यात्रियों में घबराहट का माहौल देखा गया।
बागडोगरा के धर्मकांटा के पास दो बसें आपस में टकरा गईं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि दोनों बसें बागडोगरा से सिलीगुड़ी की तरफ जा रही थी। उसी वक्त सिग्नल पर ही दोनों बस आपस में टकरा गईं। इस हादसे में दोनों बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। साथ ही बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही बागडोगरा ट्रैफिक और पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैफिक पर तैनात ट्रैफिक कर्मी सभी यात्रियों से उनकी सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे। बाद में दोनों बसों के चालकों और दोनों बसों को बागडोगरा थाना लेकर आया गया। आपको बता दें कि जो दो बसें आपस में टकराई वह बागडोगरा से सिलीगुड़ी रूट की थी। घटना स्थल पर बागडोगरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी के साथ पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।